फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बियर क्राफ्टिंग। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा साड़ी में पीको करना, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। तो ये रही साड़ी जिसमें हमने पीको करना सीख लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा साड़ी में फॉल लगाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फुट को चेंज कर लें और नॉर्मल फुट लगा लें। अब ये साड़ी और ये रहा हमारा फॉल। फॉल को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। अब साड़ी और फॉल के किनारे को बिल्कुल बराबर कर लें एक साथ। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बराबर कर लिया है मैंने। अब इसे फुट में अंदर की तरफ डाल के प्रेशर फुट नीचे कर दें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको नॉर्मल सिलाई करनी है तो आप नॉर्मल स्टिच कर सकते हैं, और अगर आपको जिगजैग स्टिच करना है तो जिगजैग पैटर्न सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे जिगजैग पैटर्न सिलेक्ट किया है, तो चलिए फॉल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से ये जिगजैग सिलाई हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे नीचे की तरफ हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हमने फॉल लगा लिया है। जब हम साइड की तरफ आएंगे, हम अपने फुट को ऊपर करेंगे और फिर साड़ी को ऐसे साइड से घुमा लेंगे। फुट नीचे कर लें। देखिए, साइड में सिलाई लग गई है। और फिर इसी तरीके से दोबारा से फुट ऊपर करेंगे और फिर साड़ी को घुमाते हुए साड़ी के ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉल लगाते वक्त आप साड़ी से फॉल को अटैच्ड पिन से पिनअप कर लें, ताकि आपका फॉल इधर उधर ना हो। तो देखिए, साड़ी में हमने फॉल लगा लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नया और कुछ अलग तरीके की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल बियर क्राफ्टिंग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।